लगातार शहर में बढ़ती वारदात के चलते बीती रात सिविल लाइन थाना इलाके में एक एटीएम में अज्ञात बदमाशों ने बैटरियां चोरी, वहीं एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा भी चुरा कर ले गए। मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह का कहना है कि अज्ञात बदमाश बैटरी चोरी की नीयत से आए थे और चोरी की वारदात कर फरार हो गए। बस स्टैंड पे रात को कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना आई थी कि एटीएम में कोई तोड़फोड़ हो गई है, तो सिविल लाइन्स पुलिस उस समय जो गश्त में थी उन्होंने मौके पे जाके देखा है। तो एटीएम से किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की गई है, उसमें जो लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा है वो ले गए हैं, तथा उसके पास जो दो बैटरीज होती हैं उसको संचालित करने के लिए वो दोनों बैटरीज लेके गए। दो बैटरीज बता रहे हैं, दो बैटरीज लेके गए। फुटेज अभी देख रहे हैं बैंक से, फुटेज लेके उसमें भी जो डिटेल्स आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करें। नहीं, एटीएम के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, सिर्फ जो बैटरी साइड में रखी हुई होती है वो बैटरीज और कैमरा जो अंदर लगा हुआ था सीसीटीवी वाला वो लेके गए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।